वीडियो चालू होने से पहले तुम लोग को सावधान कर दे रहा हूँ, वीडियो को देखने से पहले कान में हेडसेट या फिर किसी भी प्रकार के कान में लगने वाले लूले का प्रयोग कर लेना, वरना फिर तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। तुम छत पर से फेंके जा सकते हो या फांसी में लटकाए जा सकते हो। तो अगर लगा लिया हो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हें अंग्रेजी आए या फारसी आए, पर फिर भी तुम रशियन से बात कर सकते हो। I'm from good, thanks. मुझे पता है बहुत लोग उस वेबसाइट का नाम पता चल गया होगा, Omegle। तो हाँ यार, ये वही वेबसाइट है जो आजकल हर 5 में से 2 बंदे चला रहे हैं। अगर इस वेबसाइट पे तुम्हें कोई भी लौंडा दिख गया तो सीधे से समझना वो केवल एक चीज के लिए आया होता है, वो चीज होती है लड़की। तो ऐसा नहीं कि मैं Omegle से नफरत करता हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा पसंद करता था Omegle। तो मैंने भी एक बार सोचा कि चलूंगा कम से कम लड़कियों से ही बात करूंगा। तो मैंने ट्राई करने के लिए एक पूरा दिन Omegle पे फूका, जिसमें से एक लड़की आई उससे भी मैं चिल्लाता रह गया डोंट स्किप, पर वो पता नहीं कहाँ की थी, सीधे स्किप मार के चली गई। बहन जो पूरा दिमाग खराब हो गया। तो यार मैंने इसीलिए सोचा कि आज Omegle को ही रोस्ट करते हैं। ओ Omegle के चौधे, इधर कोई है थोड़ा, बता कितने लौंडे सेट कर ली अभी तक 15 को एकदम अच्छे से फंसा चुका हूँ मैं। कौन सी क्लास में है तू? इस साल 10th में हूँ। वैसे ये 10वीं की परीक्षा कितनी बार दे चुका? वैसे तो 14 बार दे चुका हूँ, अब ये 7 दिन बाद 15वीं बार देने जाऊंगा फिर से। अच्छा ये सब छोड़, ये बता इतना कमजोर कैसे हो रखा तू? पहले तो ऐसे नहीं था। अब ऐसे इंटरव्यू में थोड़ी बता सकते हैं, वो थोड़ी प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है ना। इधर कोई है थोड़ा? दो सड़ी के 15 बार फेलो के 15 लौंडियां पटा रहे साले। आओ Omegle की कुछ फनी कंटेंट्स को पकड़ते हैं। जेब में हाथ डाल के कंचों को सेट करना बंद करो और आओ शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो अगर तुम्हें पता ना तो मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता देता हूँ, Omegle की जो कंटेंट है वो केवल लड़कियों के कारण चलते हैं। अगर लड़कियां Omegle चलाना छोड़ देंगी ना तो ये लड़की भी बंद कर देंगे। अब तुम लोग इसका प्रूफ मांगोगे यार, तो आ जाओ तुमको Omegle के सबसे बड़े स्टार से मिलवाता हूँ, आदर्श सिंह। अगर तुम्हें जानकारी ना तो मैं तुम्हें बता दूं, इस बंदे के कंटेंट केवल प्यार के नाम पे चलते हैं। इसके हर आने वाली वीडियो के थंबनेल में तुम्हें सीधा दिखेगा केवल लव। I fell in love on Omegle, I found my Indian love on Omegle, found my Indian love on Omegle, we found our true, my God, ek anar so bimar. तो बाकी की बकचोदी को यहीं पे छोड़ो और आ जाओ चलते हैं अपने मुद्दे पर। I like your hair by the way. Thank you. It is so pretty, like you. Will you be my girlfriend? I can't, I have a boyfriend. You have a boyfriend? माँ मुझे क्यों नहीं आ जाती है? दुनिया में जितने कांच की बोतलें टूटते हैं उससे ज्यादा इस लौंडे के Omegle में दिल टूटते हैं। और तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, ये लौंडा इतना ज्यादा टूटता है कि इस समय ये एटम से भी ज्यादा छोटा हो चुका है। आईफोन बहन चो, यहाँ पे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मार्केटिंग हो रही है या फिर लड़कियों को रोका जा रहा है। आईफोन का प्रचार तो ऐसे कर रहा है लौंडा जैसे सेल्समैन भी नहीं करता होगा एप्पल का। अच्छा आपके लिए गाना गाऊं क्या? नंबर दे दे अपना, फिर रोज गाना गाया करेंगे। नंबर तो दे। अच्छा देखो देखो लिखो, 99 डबल 8 पीछे घूम के उल्टा लिख लिया, पीछे घूम के उल्टा लेट। ये वही लोग होते हैं जिनका नियंत्रण हर समय गायब रहता है। हर लड़कियों के मोबाइल में तुम्हें इनका नंबर जरूर मिल जाएगा, लेकिन ब्लॉक लिस्ट में इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई आगे से आए या पीछे से आए। ये इतने ज्यादा मजबूर होते हैं जिंदगी में कि अगर मच्छर भी मिले तो सुकून से उसकी भी गाड़ मारेंगे ये लोग। ना जाने कितने युवक शिकार हैं इन मादक पदार्थों का, कोई इनकी मदद क्यों नहीं करता। सस्ते नशे ना करें ना करने दे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मुझे इतना गहरा गुजरा समझोगे, और रही बात तो मैं बस उसको पकड़ के बाहर फेंकने गया था। यार तुम लोग क्या ही गलत सोचते हो मेरे बारे में। बहुत बड़ा टोपीबाज आदमी है, अगर इसे देख के कोई हकीकत मान लेता तो मेरी नजर में तो वो बिल्कुल ही चूत गया है। कोई अंदाजा भी दिखेगा तो ये सीधा बता देगा किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग की वीडियो उठा के Omegle का कंटेंट बना के डाल दिया। ये क्या चल रहा है बहन चो, ये कौन सा कलयुग है? मतलब रोनाल्डो ने फुटबॉल छोड़ के अवेंजर ज्वाइन कर लिया। अब
भाई ये कौन सा नया प्राणी आ गया यार, आज तक केवल एयर पॉल्यूशन और एयर बैक्टीरिया के बारे में सुना था, आज ही एयर रैक के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ यार। ये आज चल क्या रहा है, आज ये ओमेगल की दुनिया मुझे पूरा पागल कर गई मानेगी। हेलो व्हाट्स योर नेम, वेट व्हाट इज योर मैजिक ट्रिक, 3 2 1 लौड़ा यार पूरा ओमेगल का सब्सक्रिप्शन लेकर बैठा है, इसके ओमेगल पे केवल सुपर स्टार आए पड़े हैं, कभी स्टार का रहा है तो कभी ब्रूस बैनर आ रहा है, कभी एयर रह कर रहा है तो कभी ट्रिगर्ड इंसान आ रहा है, और कभी ध्रुवी नंदा आ जा रही है। वैसे बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जो है ध्रुवी नंदा। तो हाँ यार ये एक फीमेल यूट्यूबर ओमेगल कंटेंट क्रिएटर है, तो वीडियो अब उन्हीं की देखते हैं यार आओ। ये है ध्रुवी नंदा, वो सड़क की अगली बार ऐसे किसी फेक यूट्यूबर की वीडियो मत लगा दियो, इन दल्ले यूट्यूबरों का देख के मेरा सुलझ जा रहा है अंदर से, पूरा सही बता रहा हूँ, सही सही वीडियो लगाना वरना अगली बार। इसे ही कहते हैं सख्त लौंडा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसके स्क्रीन पे और उसके झांट पे जू तक नहीं रेंग रहे हैं। और तो ये वैसे ये दल्ले यूट्यूबर्स की वीडियो दोबारा आती है तेरी बहन के। ओमेगल के हर यूट्यूबर की अपनी की स्पेशलिटी होती है, अपने स्पेशलिटी के प्रति वो एडिक्टेड हो चुके हैं, किसी का एडिक्शन हो चुका है प्यार, तो किसी का एडिक्शन हो चुका है धोखा, और यार किसी का एडिक्शन तो प्यार धोखा दोनों हो चुका है, उसी में से आती है हमारी ध्रुवी नंदा जी। वैसे यार मैं आज तक बहुत ज्यादा पछताता हूँ, मैं भी काफी टाइम तक ओमेगल चला था, आज तक मेरे में कभी भी कोई भी क्यूट सी लड़की नहीं आई यार, तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा सैड हूँ मैं। ये वो वाला ओमेगल तो रहा नहीं है, ये बन गया है सौदेबाजी का घर, यहाँ पर हर प्रकार के सौदे होते हैं। बहनचोद लड़की को तो ऐसे रोक रहा है जैसे कभी देखा ही ना हो लड़कियों को। यार ये दुनिया के नए प्राणी आ गए हैं जो किसी और ग्रह से उतर के सीधा धरती पे आके धरती की सुंदरताओं को देखना चाहते हैं, बट ये चले जा रहे हैं लड़कियों की तरफ, इनको कहीं और भटकाओ यार। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही शांति से कह के गए थे किसी भी काम के लिए उतना झूठ बोलो जितने में तुम्हारा थोड़ा बहुत काम चल जाए, लेकिन नहीं, कोई कोई है कि सुनना ही नहीं है, अपना पूरा काम झूठ बोल के चलाना है, अब इसी के चक्कर में किसी का नाम बदनाम भी हो जाता है। इनके चैनल का नाम तो ध्रुवी नंदा है, वैसे रियल में भी होगा, बट लोगों से जब पूछा जाता है तो लोग इनका बस यही नाम बताते हैं। लोगों को बताती है ये कोरियन बन बन के याद आ रहा है थोड़ा सा। किसी भी काम को करने के लिए संपूर्णता झूठ मत बोलो यार, वरना तुम्हारे भी जिंदगी के ऐसे लोहे लग जाएंगे। बाकी तो तुम लोग समझदार हो यार, इनको उल्लू बनाने वाली के नाम से पब्लिश कर दिया जाता है, इनके चैनल का नाम उल्लू बनाने वाली रख दिया जाएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही, अब ये ओमेगल का झिला मुझसे और नहीं लिया जाता, आज की कारीगरी को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हैं इनके बिजली का बिल मेरे पिताजी बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, वो मुझे ही भरना पड़ेगा। तो देखो यार रोस्टिंग वीडियो इज ओनली फॉर फन, सो डोंट टेक इट सीरियसली लोंडो, इसको भार में लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल मजे के लिए बनाए जाते हैं। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा तुम लोगों को, तो ये तो बहुत ही गलत बात है यार, बाकी किसी को भी हेट नहीं पहुंचाना यार। कमेंट सेक्शन में ये जरूर से बता देना कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा और कौन सा पार्ट खराब लगा, जो पार्ट अच्छा लगेगा मैं उसमें और भी ज्यादा सुधार करने की कोशिश करूंगा, और जो खराब लगेगा उसको मैं अनटच ही रहने दूंगा। बाकी तो उल्टा बोल दिया, तो यार जो पार्ट अच्छा होगा मैं उसको वैसे ही रहने दूंगा, जो पार्ट खराब होगा मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को बनाने में महीने भर से ज्यादा टाइम लग चुका है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि बिजली का बिल भी भर लो और कारीगरी का खर्चा भी निकाल।